जी अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम इस्तांबुल। आज मेरा टर्की ट्रिप का फाइनली लास्ट डे है और अगेन सब बाकी सब दिनों की तरह आज भी जो सुबह सुबह और मॉर्निंग जो हुई है वो बारिश के साथ हुई है। ये बारिश टर्की की ट्रिप में मेरे साथ साथ चल रही है। अभी का कुछ प्लान इस तरह से है, क्योंकि मेरा आज रात कराची के लिए फ़्लाइट है और अराउंड 9 बजे यहाँ से इस्तांबुल से कराची के लिए टगैसस एयरलाइन की। अभी का थोड़ा सा क्विक टूर मैंने करने हैं, 2-3 जगह रहती थी। पहले यहाँ से पैदल वॉक करता हुआ जाऊँगा ग्रैंड बाज़ार से सुल्तान अहमद स्क्वायर, चूँकि वो मैं रात में विज़िट कर चुका था, शायद मैंने आपको दिखाया हो, अदरवाइज़ जो है ना वो अभी मैं इस वीडियो में डाल दूंगा वो क्लिप्स, तो वो देखकर देन वहाँ से मेट्रो या ट्राम पकड़ के तकसीम जाऊंगा। वहाँ तकसीम पे थोड़ा सा छोटा सा क्विक सा टूर करके तो फिर मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे आपको क्विकली टूर्स करवा दूँगा और बाकी की अपडेट बाद में देता हूँ। चले जी, फाइनली सुल्तान अहमद स्क्वायर पहुंच गया हूँ। होटल से मेरे कोई अराउंड मेरा ख्याल मुझे लगे होंगे 5 से 8 मिनट। ये रहा मेरे पीछे स्क्वायर और इधर रही मेरे पीछे सुल्तान अहमद मॉस्क और इधर रही मेरे पीछे हाया सूफिया। आप मैं सांस ले लूँ क्योंकि इस्तांबुल जो है ना वो उतराइयाँ चढ़ाइयाँ हैं, तो आप तब तक इंजॉय करें इसके व्यूज़। सुल्तान अहमद स्क्वायर से अभी निकला हूँ टूवर्ड्स ग्रैंड बाज़ार। एक क्विक सा टूर ग्रैंड बाज़ार का भी करूँगा और देन उसके बाद निकलूँगा टूवर्ड्स तकसीम। और ये भी सुल्तान अहमद जामी मॉस्क का गेट है ये वाला, तो इधर से अंदर से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये है जी सुल्तान अहमद जामी जो है मस्जिद, उसका गेट। यहाँ से आप एंट्रेंस करके तो अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है जो अलाउड नहीं है, स्काफ में जाना पड़ेगा आपको, फुल शर्ट और फुल लेग टीज आप पहन सकते हैं और पैंट में जाना पड़ेगा, शॉर्ट्स नहीं अलाउड है यहाँ पे। अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ से मिल भी जाते हैं। सो अंदर जाने का बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं है। मैंने वैसे भी सुलेमानी मस्जिद देखी थी और अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बल्कि आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जिसकी वजह से अंदर मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है ना वो इन्होंने बंद रखा हुआ है। तो निकलूँगा टूवर्ड्स ग्रैंड बाज़ार। सो गाइस, अगर आप सुल्तान अहमद मॉस्क से निकलेंगे और मेन गेट से लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो आपको ये कुछ मीनार टाइप चीज़ें नज़र आएंगी, जो उसके टाइम पे रोमन्स के टाइम पे इजिप्ट से ये इम्पोर्ट किए गए थे 7 और 1450 BC में।
और इम्पोर्ट करने के बाद इसको इस रोमन्स के टाइम पे इसको सात जगहों पे डिफरेंट इस्तांबुल में डिफरेंट सात जगहों पे इनको प्लेस किया गया था उसको डेकोर करने के लिए, सिटी को कैपिटल को डेकोर करने के लिए, क्योंकि रोमन्स के टाइम पे कॉन्स्टेंटिनोपोल भी कैपिटल हुआ करता था इस एरिया का, तो इस वजह से इसको डेकोर करने के लिए उन्होंने सात जगहों पे इसको किया था। ये इजिप्ट से आए थे और इस पर आपको जो स्ट्रक्चर मिल जाएगा वो सेम लाइक इजिप्शियन ही मिलेगा। तो एक ये रहा और दूसरा जो है वो उस साइड पे रहा, तो तीसरा इस जगह पे हुआ करता था जो कि अभी नहीं है। तो बाकी जो है वो चार सिटी के दूसरी जगहों पे हैं। उस एक जगह यहाँ पे बनी हुई है, लिखी हुई है, उस पर सारी इसकी हिस्ट्री है और इस पर लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे ये नस्ब हैं। सुल्तान अहमद से टूवर्ड्स ग्रैंड बाज़ार के अराउंड 10 मिनट हो गए हुए हैं चलते हुए, अभी तक नहीं आया है। और जगह जगह कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स आ रही हैं, क्योंकि ये वाला एरिया जो है वो पूरा एरिया जो है ना वो स्क्वायर के करीब से लेकर ग्रैंड बाज़ार तक का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से रिकग्नाइज्ड है। तो इट मीन्स कि जगह जगह छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब जाहिर सी बात है इतना टाइम तो नहीं दे सकते ना हर जगह को घूमने के लिए, तो इस्तांबुल को तो चाहिए 8-10 दिन 15 दिन प्रॉपरली। लेकिन जितना महंगा है उतने उस महंगाई में जो है ना वो 8-10 दिन नहीं बंदा यहाँ पर रुक सकता। ये जी फाइनली 15 मिनट वॉक के बाद ग्रैंड बाज़ार आ गया है। ये ग्रैंड बाज़ार का गेट नंबर 5 है और यहाँ से एंटर होते हैं। और सुनने में आया है बहुत बड़ा है, ग्रैंड ही होगा। और यहाँ से सिक्योरिटी चेक करवा के तो फिर अंदर एंटर हो जाना है। चले जी, ये है ग्रैंड बाज़ार की ग्रैंड गलियाँ। और इस बाज़ार की जो खासियत है वो ये, एक बहुत ही बड़ा है और एक बहुत ही फेमस रहा है और अभी स्टिल है, उस टाइम का भी, सुल्तान फातेह के टाइम का, जब सुल्तान फातेह ने इस्तांबुल मींस कॉन्स्टेंटिनोपोल को वो किया था, कॉन्कर किया था, तो उसने ये वाला बाज़ार पहला बाज़ार छत वाला बनाया था, जिसमें कोई अगर आप गूगल करेंगे तो शायद लिखा हुआ है कि 10,000 से ज़्यादा दुकानें हैं। तो इसको आप ये भी कंसीडर कर किया, इसको आप नहीं ऑलमोस्ट करते हैं कि ये दुनिया का उस टाइम का पहला कवर्ड जो एरिया था मॉल, तो उसको इस बाज़ार को कहा जाता था। तो ये ग्रैंड बाज़ार भी हो गया तो सॉर्ट ऑफ एक मॉल भी हो गया। तो इसमें आपको इस तरह की कुछ शॉप्स मिल जाएंगी और ज्वेलरी और कपड़े मसाले, नॉर्मल हैंडीक्राफ्ट, गिफ्ट शॉप्स, मिठाइयाँ, ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको ये मिलेगी, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। तो मैंने तो सारी जो भी चीज़ें लेनी थी मैंने बाहर से ली हैं, अब अंदर से मैं आपको घुमाने के लिए आया हूँ, खुद घूमने के लिए आया हूँ, थोड़ा सा गलियों में घुसता हूँ। ग्रैंड बाज़ार का टूर हुआ, मैंने कंप्लीट कुछ गलियों में आवारा गर्दी की और एक बकलावा ख़रीदा और 15 लीरा का, एंड अब वापस निकल रहा हूँ बाज़ार से उसी गेट से 5 नंबर से, क्योंकि वहाँ पे उसके बिल्कुल सामने ट्राम का स्टेशन है, तो वहाँ से ट्राम पे बैठूँगा
और सीधा अब जा रहा हूँ कहाँ पे, तकसीम स्क्वायर पे। तो जी अगेन चलते हुए मेट्रो स्टेशन पे आ गया हूँ। ट्राम से नहीं जाना था एक्चुअली, मेट्रो से जाना था, मैं ट्राम कहे जा रहा था पहले, लेकिन ये मेट्रो जो सबवे अंडरग्राउंड बनी है फ्रॉम सुल्तान अहमद टू तकसीम, वहाँ पे जाना है। ये नीचे अंडरग्राउंड उसका रास्ता है और ये यहाँ पे एम का साइन बना हुआ है। तो अगर आप आएंगे ग्रैंड बाज़ार से तो 10 मिनट वॉक करनी पड़ेगी, तो आप मेट्रो स्टेशन पे पहुँच सकते हैं। ये रहा मेरा इस्तांबुल कार्ड और मुझे देखना है इसमें कि बैलेंस कितना बाकी है। तो मेरे पास बैलेंस है 5.38 लीरा का, तो देखता हूँ कि ये चल जाता है कि नहीं। चलें जी, पता नहीं कितना पैसा लगा है, देखा नहीं मैंने, 5.38 लीरा पड़े हुए थे। अभी फिर नीचे जाना है तो कार्ड अपना ये वाला करके नीचे आ गया हूँ। भाई कुछ 4 दफ़ा नीचे आए, मतलब एस्केलेटर से नीचे जाना पड़ा है, एक ही बना देते सीधी सीधी नीचे। अब मुझे मालूम करना है कि तकसीम जो मेट्रो जाएगी वो कहाँ से जाएगी, तो किससे पूछूँ किससे पूछूँ। तकसीम मेट्रो इस पे, ओके थैंक यू। तो यही इसी जगह से ही जाएगी और यहीं पे ही आएगी और इस साइड पे जाएगी। ये इस तरफ से आ रही है मेट्रो इनकी, और इस तरफ लेफ्ट साइड पे मुझे जाना है। है कैसी मेट्रो ये मैं फर्स्ट टाइम ही देखूंगा। बहुत ही स्पीड से आ रही है, सही नहीं होती है।